योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा आज रामपुर पहुंचे। यहां भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वह जिला सहकारी बैंक की 31वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में सम्मिलित हुए और जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से साक्षात्कार किया, नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से भारत के किसी नागरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हैं। वास्तव में नागरिकता संशोधन बिल क्या है, हम लोग जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम बहुत पहले से बना हुआ है। उस नागरिकता एक्ट में कई बार संशोधन हुए हैं, जब आवश्यकता हुई है तब संशोधन हुआ है, इस बार भी जो संशोधन हुआ है वह भी आवश्यकता को देखकर हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस संशोधन के बाद भारत के किसी भी नागरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह एक्ट उन पर प्रभाव डालने वाला नहीं है। भारत के किसी नागरिक को ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उस पर क्या होगा। यह संशोधन उन लोगों के लिए है जिनके घर लूट लिए गए, जिनकी बेटियों का अपहरण हुआ है, जो ऐसी स्थिति में है कि वहाँ रह नहीं सकते, विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ से जो भागे हुए लोग, जो शरणार्थी आए हैं, उन सबके लिए हम नागरिकता संशोधन अधिनियम में हम छूट दे रहे हैं। उनको 11 साल में नहीं, अब 5 साल में ही नागरिकता मिल जाएगी। उनको विभिन्न प्रकार के पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसके लिमिट भी तय कर दिए गए हैं। रामपुर यूवी से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। आज एक विषय है जिस पर हम चर्चा करने आए हैं, विशेष रूप से प्रेस वार्ता के नाते। ये जो संविधान में एक नागरिकता संशोधन एक्ट अधिनियम, इसको लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चा है। हम सब लोगों का सोच है कि वो आपके माध्यम से समाज के बीच में जाना चाहिए कि वास्तव में नागरिकता संशोधन विधेयक है क्या। हम लोग जानते हैं कि नागरिकता एक्ट बहुत पहले से बना हुआ है, उस नागरिकता एक्ट में कई बार संशोधन हुए हैं, जब आवश्यकता हुई है तब संशोधन हुआ है, इस बार जो संशोधन हुआ है वह भी आवश्यकता को देख कर हुआ है। केवल इतना है, उस एक्ट के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा भारत के किसी नागरिक पर कोई भी प्रभाव कुप्रभाव नहीं पड़ने वाला है या उनसे संबंधित उन पर प्रभाव डालने वाला नहीं है, और इसलिए भारत के किसी नागरिक को, 130 करोड़ नागरिक को, इस संशोधन से लेकर हमारे पर क्या होगा ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह संशोधन निश्चित रूप से उन बंधुओं के लिए है जिनके घर लूट लिए गए, जिनकी बेटियों का अपहरण हुआ है, जिनके साथ जो ऐसे स्थिति में है कि वहाँ रह नहीं सकते। ऐसे 3 देश, विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ से जो भागे हुए लोग, 2 प्रकार के, एक शरणार्थी, जो शरणार्थी आए हैं, उन सब के लिए हम इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में छूट दे रहे हैं। उनको 11 साल नहीं, अब 5 साल में ही नागरिकता मिल जाएगी। उनको विभिन्न प्रकार के पेपर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसकी लिमिट भी तय कर दिया। जो बहुत बार लोग कहते हैं कि पता नहीं कितना बोझ पड़ जाएगा, वो बोझ तो दो, क्योंकि वो 2014 और उसके पूर्व में आए हुए लोगों पर है, तो बोझ तो 5 साल से वो हाई है, जो भी है उसको तो हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं। इसलिए मानकर नहीं चलना चाहिए कि किसी भी प्रकार का बोझ पड़ेगा। ये नागरिकता संशोधन विधेयक केवल उन लोगों को सुविधा देना है, उनके आंसू पोंछना है जो लगातार हमारे देश में रह रहे हैं, निरीह अवस्था में हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको ये सुविधा प्रदान करने का है। हमारा देश इस स्वभाव का है कि जो भी हमारे यहाँ आया है उसको हमने शरण दिया है। हमारा देश हमेशा हमेशा, यहाँ तो कहा गया है कि उसी नरचित अतिथि देवो भव, उसी नरचिति ने दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिंसा के बाद ही क्यों सफाई देनी पड़ रही बीजेपी को, पहले ही क्यों सफाई नहीं दी गई और राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हो रहा है, तो ये क्या है जी? देखिए, सफाई पहले और बाद का सवाल नहीं है। हम तो ये मानकर चलते हैं कि जो एक्ट बना है वह समाज के लोगों को जानकारी देकर बना है,
क्योंकि एक्ट छपता है, लिखा जाता है, बिल बनता है, चर्चा होती है, हमसे ज़्यादा अखबार उसकी चर्चा करते हैं, मीडिया उसकी चर्चा करता है, लोगों को जानकारी हो जाती है। लेकिन कभी कभी लोग आधार बना लेते हैं, कुछ लोगों ने आधार बना लिया कि बहुत दिन हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला है, तो उन्होंने शुरू किया, तो इसलिए ये लगा कि इसको सफाई देनी चाहिए, इसको साफ बताना चाहिए। ये सफाई देना नहीं है, जानकारी देना है, हम चाहते हैं समाज में पूरी जानकारी फैलाए। सर, इसमें लिमिट आपने बताई कि कितनी लिमिट होगी, इन लोगों की कितनी कितनी लिमिट है जो कि आप नागरिकता संशोधन के आधार पर लेंगे? 30 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ गए हैं, यदि वो 5 साल उनका पूरा हो गया है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। किसी जाति को नहीं, किसी जाति का नहीं, मुस्लिम में शामिल है। अच्छा, मुस्लिम इस बे इस बिल नहीं है ना, ये सवाल तो यही है कि मुस्लिम शामिल क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि तो जिन 3 देशों से हम बुला रहे हैं वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। हमने आसाम वहाँ आसाम 19 लाख सवाल आसाम में 19.5 लाख लोग जो हैं वो NRC से बाहर हो गए, उसमें 12.5 लाख हिंदू हैं और 8 लाख 7 लाख जो हैं वो मुसलमान हैं, तो उन हिंदुओं को तो नागरिकता मिल जाएगी, मुसलमान कहाँ जाएंगे जो रहे? NRC पर चर्चा करना हम लोगों ने अभी बंद कर दिया है। हम NRC का कोई उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि NRC न लागू है, न NRC की चर्चा हो रही है। क्या NRC फेल हो चुकी है सर? असम से फेल हुई है, असम से कहीं भी NRC की जब चर्चे नहीं हुई तो पास और फेल कैसे होगा? पहले हम उस परीक्षा में आए तब करोड़ों का बर्बाद हुआ। आखिर BJP की मंशा क्या थी इस बिल को? क्या चाहती है भाजपा? भाजपा चाहती है वे गरीब दुखियारे जो इन 3 देशों में उनको अल्पसंख्यक मानकर निरीह मानकर भगाया गया या भाग आए हैं, उनके आंसू पोंछ दें। तो दुखियारियों को सिर्फ कुछ ही लोगों के आंसू क्यों पोंछे जा रहे हैं? नहीं, उनके नहीं, अन्य जब कभी अवसर आया है तो बाकी जगह भी पोंछा गया है। बांग्लादेश इससे पहले जब संशोधन हुआ था तो बांग्लादेश से आए थे तब संशोधन हुआ था, तमिलनाडु से लोग आए तब संशोधन हुआ। अच्छा, बाहरी देश भी अगर यही सब करने लगे और हमारे लोगों को यहाँ वापस भेजें तब कैसा होगा? सब कर रहे हैं, सबके यहाँ नागरिकता एक्ट है, उसका पूरा पालन होता है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।